नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप टीजीटी आर्ट की कर रहे हैं तो आप उसी की तैयारी में व्यस्त हैं। अभी तक जो क्लास हुई है वो क्लास नंबर 2 तक की हो चुकी है और क्लास नंबर 2 में आपको भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्रों को अच्छे से पढ़ाया गया था। आज उसका सुपर फास्ट रिवीजन है मित्रों, क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 3 को आप सीरियसली लीजिएगा और इससे जो है जुड़ने का प्रयास करिएगा अच्छे से। आइए स्टार्ट करते हैं। कहा गया, भारतीय प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य ऐसे प्रागैतिहासिक काल से पूर्व की आदि मानव द्वारा बनाया गया गुहा या शैलखंडों पर चित्र। इन चित्रों के मुख्य रूप से विद्वान द्वारा 5 प्रकार की शैलियां खोजी गईं और जो शैलियां खोजी गईं वो कौन कौन सी थीं, तो उसमें आपकी पूरक आएगी, अर्धपूरक आएगी, उसके साथ क्षिरेखा शैली आएगी, अलंकृत शैली आएगी, क्षेपांकन शैली आएगी। तो 5 टाइप की शैलियों के बारे में बात की गई है। मित्रों, कहा जा रहा है भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ये तो सभी जानते थे, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में से क्या हुआ, तो प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक शब्द का जो प्रयोग होता है वो सर्वप्रथम डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी एंड प्रेहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में की थी। ये पुस्तक 1851 में छपी थी। तो प्रागैतिहासिक शब्द को सबसे पहले डेनियल विल्सन के द्वारा प्रयोग किया गया है। कौन सी पुस्तक में? आर्कियोलॉजी एंड प्रेहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में किया गया। आगे कहा जाए मित्रों, तो कहा जाता है भारतीय प्रागैतिहासिक कला को 3 चरणों में बांटा गया, 3 चरणों में विभक्त किया गया। पहला आता है पुरापाषाण काल। हमने कहा था पुरापाषाण काल का जो समय होता है 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व तक का होता है, यानी 5,000 सालों का होता है। भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण काल के औजार की खोज जो है रावस प्रस्फुट नामक विद्वान के द्वारा मद्रास के गंटूर जिले में अंगोला और कुडप्पा नामक स्थानों पर किया। तो अंगोला और कुडप्पा पूछा गया डरपा है। अब से पूछा जाए कि सबसे पहले औजार जो है वो पुरापाषाण काल में किसने खोजा, तो रावस प्रस्फुट के द्वारा खोजा जाता है। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, कहा जाता है जो ये कुडप्पा नामक स्थान थे वह कब मिलता है, तो वहाँ पे आपको 1863 ईस्वी में देखने को मिल जाएगा, जिसमें हड्डी मिलेगा, पत्थर मिलेगा, लकड़ी के मोटे और भद्दे औजार देखने को मिल जाएंगे। प्रागैतिहासिक काल का जनक जो है वो रॉबर्ट ब्रुशफुट को ही माना जाता है। पॉइंट ऐसे स्टार लगा के लिखिएगा, प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रुशफुट को कहा जाता है। मद्रास के पल्लावरम नामक स्थान पर प्राचीन मानव पानों पाए गए हैं, जिनका जो प्रमुख केंद्र माना गया वो बेल्लारी माना गया। तो प्राचीन मानव का केंद्र क्या रहा मित्रों, प्राचीन मानव बेल्लारी में पाया गया। बेल्लारी कर्नाटका वाला बेल्ट होता है। इनके द्वारा बनाया गया प्रथम औजार जो है वो कुल्हाड़ी रहा है। तो आपका जो प्रागैतिहासिक काल में मानव मिला उसके द्वारा कुल्हाड़ी का निर्माण किया गया। ये प्रकृति गुफाओं में निवास किया करते थे। ये बात पुरापाषाण काल की हो गई। पुरापाषाण काल के साथ आप मध्यपाषाण काल पे आएंगे, तो मध्यपाषाण काल का जो दृश्य होता है मित्रों वो 25,000 ईसा पूर्व से होता है 10,000 ईसा पूर्व तक। और इसकी जो खोज की बात होती है सीएल कार्लाइल के द्वारा 1868 में आपका मध्यपाषाण काल खोजा जाता है। मध्यपाषाण काल में औजारों को ज्यामितीय रूप दिया गया है और इसी काल को संक्रमण काल भी कहा जाता है। मध्यपाषाण काल में मानव जिस पत्थर और या जिस पत्थर से औजार बनाया करता था उसे बुझा हुआ पत्थर कहा गया है। क्या कहा गया है? बुझा हुआ पत्थर कहा गया है। ये मध्यपाषाण काल की बात हो रही है। यहाँ पे जो औजार मिलते थे मित्रों, 2 प्रकार के मिलते थे, एक तो वशी वाला पत्थर, दूसरा आपका सिली वाला पत्थर। वशी वाला पत्थर, इस पत्थर से हथियार गढ़ करके बनाए जाते थे, यानी गढ़ा जाता था। और सिली वाला जो पत्थर होता था मित्रों, इसमें टुकड़े टुकड़े कर करके दूर जानवर पर प्रहार करने के लिए सिली वाला पत्थर का प्रयोग किया जाता था, यानी फेंक के प्रहार किया जाने वाला सिली वाला पत्थर होता था। मध्यपाषाण काल में औजार छोटे आकार के बनाए जाते थे, जबकि वसूली जो बिना हत्थे की चिंगट पुंडक आकी पट्टम नामक स्थान पे पाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वसूली जो बिना हत्थे वाली है, वसूली जो इससे जो है पत्थर टोड़ा रहता था ऐसा दृश्य होता था, तो वो बिना हत्थे वाली होती थी और ये आपकी आकी पक्कम नामक स्थान पर पाया गया है। ठीक है, तो ये दृश्य कहाँ से मिला? ये आपका मध्यपाषाण काल का है, जिसे सीएल कार्लाइल ने 1869 में खोजा है। अब लास्ट वाली बात की आती है मित्रों, जिसे उत्तर पाषाण काल कहा जाता है। कई जगह आपको नवपाषाण काल देखने को मिल जाएगा। इसका जो समय काल होता है वो 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व, कई किताबों में 4,000 ईसा पूर्व, कई किताबों में 5,000 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। वो समय समय के अनुसार बदलता रहता है। इसे देखा जाए तो उत्तर पाषाण काल की जो खोज है HC म्यूरियर के द्वारा किया जाता है। उत्तर पाषाण काल में मानव पशुपालन, कृषि, चित्रकला का विकास, बर्तन, मृदभांड, चाक पर बनने लगे थे, ऐसा दृश्य आपका नवपाषाण काल का रहा है। गांव या बस्तियों में बसना भी शुरू कर दिया था, जिनका प्रमुख केंद्र जो है बेल्लारी रहा है। बेल्लारी वही कर्नाटका वाला बेल्ट होता है मित्रों, पूछा गया क्वेश्चन से, प्रागैतिहासिक स्थल है बेल्लारी। चित्रों को गेरवे रंग से बनाने का कार्य बहुतायत किया गया था। यहीं से गोलयंत्र, दरियाई घोड़ा, पशुओं की
80 भूत हड्डियां नर्मदा नदी की घाटी में देखने को मिल जाते हैं। यहीं से मानो कुडप्पा और मद्रास शहर के क्षेत्र में भी सीमित हो जाता है, तो कुडप्पा और मद्रास वाले बेल्ट में ज़्यादा काम यहाँ के मानवों ने किया है। उत्तर पाषाण काल के प्रमुख केंद्रों में आपका बेल्लारी का नाम आता है, विंध्याचल का नाम आता है, मिर्ज़ापुर का नाम आता है। तो बेल्लारी, विंध्याचल, मिर्ज़ापुर, सिंगनपुर, हरनीहरन, ये सब उत्तर प्रदेश वाले हैं। बिल्ला सरंगम तमिलनाडु वाला है, एडकल है ये केरला वाला होता है मित्रों, और मुढ़ार पारगान की अगर बात होती है तो ये सब स्थल आपको यहीं दिखाई दे जाएंगे जो उत्तर पाषाण काल में आते हैं, उत्तर पाषाण काल के बढ़िया केंद्र माने जाते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो इसी पे आधारित कुछ विद्वानों ने प्रागैतिहासिक जनजीवन पे कुछ पुस्तकें लिखी, जैसे आप पुस्तक देखेंगे प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स। तो मित्रों जैसे प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग्स की बात आए तो बांड्रिक का नाम लगाइएगा, 1958 में लिखी गई, जबकि प्रीहिस्टोरिक इंडिया जैसे नाम आए तो उसे पिगॉट के साथ जोड़िएगा, स्टुअर्ट पिगॉट, ये 1950 में लिखी गई। भारत में विभिन्न जगहों से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कौन कौन से हैं, जैसे मिर्ज़ापुर है, मध्य प्रदेश है, सिंघनपुर है, चक्रधरपुर है, आदमगढ़ है, रायगढ़ है, होशंगाबाद है, कोहबर है, भिल्डरिया है, लिकुनिया फर्स्ट है, लिकुनिया सेकंड है, आदि स्थानों से पाए गए चित्र होते हैं। चक्रधरपुर से जो प्राप्त हुआ है चित्र मित्रों, उसका समय जो है सिद्ध कुमार हालधर ने 3000 ईसा पूर्व का बताया है, और ऋषिमुख पर्वत से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों का जो समय है वो आलचिन के द्वारा 3000 ईसा पूर्व बताया गया। तो उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्रों में जब बात देती है मित्रों, तो आप मिर्ज़ापुर और बांदा का नाम याद रखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मिर्ज़ापुर और बांदा का ही नाम आता है। मिर्ज़ापुर की अगर बात होती है तो मित्रों, मिर्ज़ापुर आपका विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखला के सोन नदी के घाटी में 100 से अधिक चित्रित शिलाखंडों पर चित्र लेकर के बैठी हुई, यानी चित्र प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की जो खोज है वो कार्लाइल और काकबर ने 1880 में मिर्ज़ापुर में ही किया था। सबसे पहले प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज कार्लाइल और काकबर्न के द्वारा 1880 में किया गया था। मिर्ज़ापुर का प्रमुख जो क्षेत्र होता है मित्रों, उसमें हरनीहरन का नाम आता है, याद रखिएगा सभी नाम, हरनीहरन है, सुरहो घाट है, घोड़मागर है, लिखुनिया फर्स्ट है, लिखुनिया सेकंड है, कोहबर है, कोंडाकोल है, चुनार है, भाईसोर है, बिडम्ब है, भिल्डरिया है, विजयगढ़ है। यही बिडम्ब आपका मिर्ज़ापुर का क्या होता है, सांस्कृतिक स्थल होता है। बिडम्ब की खोज डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने 1967 में किया था। इसकी पुस्तक में अगर भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला को देखेंगे तो ये दारागंज इलाहाबाद में आपको देखने को मिल जाएगी। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की है डॉक्टर जगदीश गुप्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों के नाम, जैसे घायल सुअर का आखेट वाला दृश्य है कहाँ से, भिल्डरिया मिर्ज़ापुर से मिला है। हाथी का शिकार वाला कहाँ से मिला है, तो हाथी का शिकार आपका लिखुनिया से मिला है, याद रखिएगा। नृत्यवादन का चित्र लिखुनिया से मिला है, माता पुत्र का चित्र लिखुनिया से मिला है, गैंडे का आखेट घोड़मागर से मिला है, जबकि मसाल वाला आदमी जो है वो लाहौरी से मिला है मित्रों, मसाल वाला आदमी जो है वो आपके लाहौरी से दिखाई देता है। और आगे बढ़ेंगे 7 नंबर पे, तो घुड़सवार पालतू हाथी से जंगली हाथी को पकड़ते हुए दृश्य कहाँ मिला, तो लिखुनिया में देखने को मिलता है, जबकि शाही के आखेट का चित्र कहाँ मिलता है, सुरहो घाट से मिलता है। शाही की आखेट का चित्र कहाँ से मिलता है, तो सुरहो घाट आपको याद रखना होता है। और हाथ के छापे का चित्र जो मिलता है वो भी सुरहो घाट से ही आपको दिखाई देता है। और हाथ के छापे के चित्र के साथ साथ त्रिशूलधारी आखेट का चित्र जो मिलता है वो आपके बिडम्ब से मिल जाता है, वही बिडम्ब जिसे अभी आपने देखा था कि बिडम्ब की खोज जगदीश गुप्ता ने 1967 में की है, 1967 में की। ये बात तो आपकी मिर्ज़ापुर की हो गई, मिर्ज़ापुर में जहाँ जहाँ से चित्र मिलते हैं, जैसे तीन दाढ़ीदार अश्वरोही की अगर बात होती है, रस्सी पकड़े हुए जा रहे हैं, तो ये आपका मालवा वाला बांदा वाला बेल्ट होता है, वहाँ मिलता है। आगे बढ़ेंगे, बांदा के बारे में बात करेंगे मित्रों। बांदा भी उत्तर प्रदेश का ही है। बांदा की खोज 1907 में सिल्वेराड के द्वारा किया गया था। प्रमुख केंद्रों की बात होती है, सरहाट है, मलवा है, करियाकुंड है, अमवा है, उल्दन है, चित्रकूट है और मानिकपुर है। मित्रों ये सब जो बेल्ट हैं ये बांदा के अंतर्गत आते हैं भारत में, बांदा से प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के जो नाम आते हैं, चोंचदार पुरुष की अगर बात होती है तो मानिकपुर का नाम आता है, चोंचदार पुरुष मानिकपुर से मिला है। पहिए रहित गाड़ी, पहिए रहित गाड़ी की अगर बात होती है मानिकपुर का नाम आता है। तीन दंडधारी अश्वरोही अपने घोड़े की रस्सी पकड़े हुए पैदल जा रहे हैं, तो तीन अश्वरोही हैं, घोड़े की रस्सी पकड़े हुए हैं, पैदल जा रहे हैं, यह ऐसा दृश्य आपको मालवा वाले बेल्ट में देखने को मिलेगा। जबकि बारह सिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारी का जो चित्रण मिला है मित्रों, ये करियाकुंड से आपको देखने को मिलता है। तो बारह सिंघा का पीछा कर रहे हैं ऐसा दृश्य कहां से मिला, करियाकुंड से दिखाई देता है। कहां पड़ता है करियाकुंड, बांदा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश का नाम खत्म होगा, मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक चित्रों की बात होगी। और मध्य प्रदेश के जो प्रागैतिहासिक चित्र होते हैं जिसमें आप देखेंगे तो पंचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंघनपुर, पहाड़गढ़, भीमबेटका का नाम आएगा। सबसे पहले आप पंचमढ़ी की बात कर लेते हैं मित्रों। पंचमढ़ी की अगर बात होती है तो आप जानते हैं जो आपका पंचमढ़ी है ये महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है,
जहाँ पर 50 के करीब गुफाएं पाई जाती हैं, जिसमें प्रागैतिहासिक चित्र आदिमानव पर बनाए गए हैं। पंचमढ़ी गुफा के चित्रों की खोज जो है ZR हंटर के द्वारा 1925 में किया गया था तथा चित्रों को DH गार्डन ने 1936 में प्रकाशित किया था। पंचमढ़ी के प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्रों की अगर बात होती है तो यहाँ पे जो आता है डोकोर द्वीप आता है, महादेव बाजार आता है, सोनभद्र आता है, जम्बू द्वीप आता है, निम्बू भोज आता है और जो है बनिया बेरी का नाम आता है। उसके साथ मोरो देव आते हैं, मांडा देव आते हैं, मलिखो आता है। तो ये सब दृश्य आपका पंचमढ़ी में पाया जाता है। आगे बात करेंगे मित्रों पंचमढ़ी से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों के नाम, तो जैसे आप देखेंगे विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ मिला तो आपको महादेव बाजार नाम याद रखना होगा। सेरिखाया काठ का चित्र कहाँ मिलता है, मांडा देव से मिलता है। सांभर की आखेट का चित्र आपका इमलीखो से मिलता है, जबकि शहद इकट्ठा करते हुए मनुष्य का चित्र जो है वो मांटे राजा से आपको देखने को मिलता है, जबकि कांटेदार स्याही का चित्र जो है वो जम्बू द्वीप से आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे नृत्य वादन करते दो मनुष्य का चित्र जो है आपका कहाँ है, तो नृत्य वादन करते हुए दो मनुष्यों का चित्र जम्बू द्वीप से आपको देखने को मिल जाता है, जम्बू द्वीप में मिला है। सबसे अधिक धनुर्धारी का चित्रण मिलता है, तो सबसे ज़्यादा धनुर्धारियों का चित्रण आपको पंचमढ़ी में ही देखने को मिल जाएगा। और पारिवारिक जीवन का चित्रण कहाँ से हुआ है, तो मांटे राजा से ही पारिवारिक जीवन का चित्रण हुआ है। आगे बढ़ेंगे डमरू नुमा आकृतियों का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है, तो डमरू नुमा आकृतियों का जो चित्रण हुआ है मित्रों वो भी आपके पंचमढ़ी में ही हुआ है। पंचमढ़ी जो आपके DH गार्डन वाली है, स्टोर पिकॉट वाली है। अब ये बात पंचमढ़ी की हुई, ZR हंटर 1925 और DH गार्डन 1936, ये बात आपकी पंचमढ़ी की हो गई। पंचमढ़ी के बाद भीमबेटका की बात करेंगे। भीमबेटका की अगर बात करते हैं तो ये खूब पूछा जाता है भोपाल से लगभग कितनी, तो 40-45 किलोमीटर, कई किताबों 40, ज़्यादातर किताबों में 45, तो 45 किलोमीटर दूर दक्षिण में भीमबेटका नामक पहाड़ी पर 600 प्राचीन गुफाओं में स्थित है और ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भीमबेटका एक पहाड़ी है मित्रों। भीमबेटका कोहरन तहसील में आसान नदी के किनारे स्थित होती है। इसकी खोज विशु वाकाड़कर ने 1958 में की थी। स्विट्जरलैंड के पुरातत्व विशेषज्ञ वासाल की मदद से इन्होंने खोजा था। यहाँ पर लगभग 275 गुफाओं में चित्र देखने को मिलते हैं। भीमबेटका में दो स्तर से चित्र बनाए गए हैं मित्रों, आदिमानव द्वारा आखेट का चित्रण बनाया गया है और दूसरा आदिमानव को जानवरों के अतरंग मित्र के रूप में भी दर्शाया गया है। भीमबेटका विस्तृत क्षेत्र में 10 किलोमीटर वर्ग में फैली हुई है। भीमबेटका के संपूर्ण चित्रों का जो समय रहा है मित्रों वो 30,000 से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के मध्य पाया जाता है। भीमबेटका में सर्वाधिक गेरवे रंग का, कौन से रंग का, गेरवे रंग का प्रयोग किया गया है। भीमबेटका में चित्र गुफाओं की दीवारों और छतों पर जो है देखने को आपको मिल जाएंगे, तो आपको ऐसा दृश्य भीमबेटका में देखने को मिलता है मित्रों। आगे बढ़ेंगे तो आगे कुछ चित्र आपको दिखाते हैं। ये आपका चित्र है, ये प्राण जीवन वाला चित्र है मित्रों, और ये आपका भीमबेटका का बहुत अच्छा दृश्य है, देख लीजिए। कोई हाथ में धनुष लिए है, कोई बाण लिए है, कोई छुरी लिए है, कोई तलवार लिए है, कोई कुछ लिए है, जो पाया वो लिया है, ठीक है। कुल्हाड़ी उल्हाड़ी खूब चलती थी। भीमबेटका से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों की अगर बात होती है तो यहाँ पर आखेट का चित्र, ग्वाला का चित्र मित्रों क्या मिला, आखेट वाला, ग्वाला वाला, कृष वाला, कृषक की बात हो, बारासिंघा की बात हो, हिरण हैं, सुअर हैं, रीछ हैं, भैंसा है आदि जंगली जानवरों के चित्र अंकित हैं। शिकार नृत्य का चित्र भीमबेटका में मिला है। विश्व की सबसे बड़े भैंसे का चित्र जावरा मध्य प्रदेश में मिला है। इसकी लंबाई जो है 8 मीटर वाली है, सबसे लंबे भैंसे वाले चित्र की, जो जावरा मध्य प्रदेश में पाया गया, तो 8 मीटर लंबा जावरा है, ठीक है। ये बात आपकी भीमबेटका की हो गई, वाकाड़कर साहब की हो गई 1958 में, जिसको खोजते हैं वाकाड़कर साहब। अब बात करेंगे होशंगाबाद की। होशंगाबाद की अगर बात करते हैं, पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में होशंगाबाद स्थित है। होशंगाबाद की स्थापना जो है होशंग शाह के द्वारा किया गया था। होशंगाबाद आदमगढ़ पहाड़ी पर 12 से अधिक शिलाश्रय पाए जाते हैं। होशंगाबाद चित्रों की खोज जो है 1922 में मनोरंजन घोष के द्वारा किया गया था। किसने खोजा, मनोरंजन घोष ने खोजा। यहाँ पर स्टेनलेस पद्धति यानी छेपांकन पद्धति में चित्र बनाने का काम हुआ है। होशंगाबाद से प्राप्त हो गए ऐतिहासिक चित्रों की बात होती है तो जिराफ समूह का चित्र आपको होशंगाबाद में ही देखने को मिलता है। जिराफ समूह का चित्र है होशंगाबाद। चार धनुधारी आदिमानों का चित्र जो है कहाँ मिलता है, तो चार धनुधारी आदिमानों का चित्र होशंगाबाद में ही देखने को मिलता है। इसके साथ वन देवी का चित्र जो है होशंगाबाद में ही मिलता है। विशालकाय महामहेश का चित्र आपको होशंगाबाद में ही देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, हल्के पीले रंग का विशालकाय हाथी का चित्र, हल्के पीले रंग का विशालकाय हाथी का चित्र होशंगाबाद में ही देखने को मिलता है। और हाथी पर सवार आदिमानों का चित्र है, अस्त्रधारी का, घुड़सवार का चित्र है, ये भी आपके होशंगाबाद में ही देखने को मिलता है। मित्रों हाथी वाला दृश्य आप देख सकते हैं, ये है आपका होशंगाबाद वाला, और जंगली भैंसे का जो चित्र है ये आपका है होशंगाबाद वाला, ये आपका जंगली भैंसा है, याद रखिएगा जंगली भैंसा। आगे बढ़ेंगे मित्रों, आगे कहा जाता है एक हाथी पर
एक हाथी पर चढ़े आखेटकों को जंगली भैंसा का शिकार करते हुए दर्शाया गया, तो ये आदमगढ़ होशंगाबाद में ही दर्शाया गया। घायल भैंसे का चित्र जो है आदमगढ़ होशंगाबाद में ही मिलता है, और विशालकाय मयूर का जो चित्र दिखाई देता है वो भी आदमगढ़ होशंगाबाद में ही देखने को मिल जाता है। जबकि हाथी का चित्र जो मिलता है मित्रों, ये आदमगढ़ होशंगाबाद में मिलता है, और सबसे अधिक हाथी का चित्र कहाँ मिलता है, तो सबसे अधिक हाथी का जो चित्र बनाया गया वो आदमगढ़ होशंगाबाद में ही बनाया गया। विशालकाय प्रसिद्ध गर्भवती महिला का चित्र कहाँ मिलता है, तो फिरंगी कोंटियार मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाता है। तो ये बात आपकी होशंगाबाद की हो गई। अब होशंगाबाद के बाद सिंघनपुर को पढ़ेंगे। सिंघनपुर आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको पढ़ना है। सिंघनपुर की अगर बात होती है, रायगढ़ रियासत के जो है चारवार स्थल पर्वत पे माठ नदी के किनारे मध्य प्रदेश में स्थित है सिंघनपुर। यहाँ पर कुल 50 चित्रित शिलाश्रय और गुफाएं देखने को मिलती हैं। इनके चित्रों की खोज जो है 1910 ईस्वी में होती है मित्रों, और डब्ल्यू एंडरसन महोदय के द्वारा जो है खोजा जाता है आपका सिंघनपुर। आगे बात करें यहाँ के चित्रों का, जो परिचय है वो अमरनाथ दत्ता ने 1913 में दिया था, और 1917 में पर्सी ब्राउन ने अपना परिचय दे दिया था। 1917 में पर्सी ब्राउन ने अपना परिचय दिया था। यहाँ पर छेपांकन पद्धति यानी स्टेनलेस पद्धति के चित्र बनाने का काम ज़्यादा बढ़िया से हुआ है। सिंघनपुर के प्रागैतिहासिक केंद्रों की बात होती है, सिंघनपुर के प्रागैतिहासिक क्षेत्रों की अगर बात होती है मित्रों, तो कबरा पहाड़ है, और यहाँ पे कर्मागढ़ है, और इसके साथ खैरपुर है, और उसके साथ बोतालदा है, और खसारिया है, और नवागढ़ भी पाया जाता है आपके सिंघनपुर वाले बेल्ट में। सिंघनपुर से जो प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं मित्रों, जैसे आप देखेंगे असंगत कंगारुओं का चित्र, असंगत कंगारुओं का चित्र आपके सिंघनपुर से ही मिला है। घायल भैंसा बुरी तरह से तीरों से विधा हुआ चित्र है, ये आपका सिंघनपुर में मिला है। सूंड उठाए हाथी का चित्र कहाँ मिला, तो सिंघनपुर में है। बारह सिंघा हो, हिरण हो, खरगोश हो, भैंसा हो, घोड़ा हो, ये सब चित्र कहाँ से मिला, तो ये भी आपके सिंघनपुर से ही देखने को मिल जाता है। और उसके साथ छिपकली का चित्र जो आपका मिलता है, ये भी आपका सिंघनपुर बोतालदा से ही मिला है। बोतालदा तो सिंघनपुर से ये सब दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। सिंघनपुर आपका मध्य प्रदेश का हिस्सा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला नाम आता है मंदसौर का। मंदसौर की अगर बात होती है, मध्य प्रदेश वाला बेल्ट होता है। मंदसौर जिले में मोरी नामक स्थान पर बने गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं। यही मंदसौर जो आपका मंदोदरी वाला मंदसौर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कुल 30 गुफाएँ पाई जाती हैं मंदसौर में। जो है पशुओं को हल्के ग्वाले नामक चित्र, तो पशुओं को हाँकते ग्वाले नामक चित्र जो मिलता है, पशुओं को हाँकते ग्वाले नामक चित्र जो मिलता है वो मंदसौर में ही देखने को मिल जाता है। आगे आएंगे मित्रों, अगला पॉइंट आएगा नृत्यरत आदिमानव का चित्र। नृत्यरत आदिमानव का जो चित्र मिलता है वो भी आपके मंदसौर में मिलता है। और देहाती बांस से बना गाड़ियों का चित्र जो है वो भी आपके मंदसौर का ही होता है। स्वास्तिक की बात हो, सूर्य की बात हो, चक्र की बात हो, अष्टदल की बात हो, पीपल की पत्तियां हो, और उसके साथ सांकेतिक चित्र जो मिलते हैं, ये सब कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो इस सब के सब चित्र आपको मंदसौर वाले में देखने को मिल जाते हैं। वही मंदसौर जो आपका मंदोदरी वाला बेल्ट होता है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला नाम आएगा पहाड़गढ़ का। पहाड़गढ़ की अगर बात होती है, मोराना जिले के पहाड़गढ़ के निकट आसान नदी के किनारे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ के प्रागैतिहासिक चित्रों का जो समय रहा है वो 10,000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक का बताया जाता है। यहाँ गुफा जो है 1500 वर्ग में फैली हुई है, और मधुमक्खियों के छत्तों से परिपूर्ण है, यानी मधुमक्खी का छत्ता खूब ज़्यादा देखने को मिलता है। प्राप्त चित्रों की बात होती है, तो हाथी पर सवार आदिमानव का चित्र कहाँ से मिला, पहाड़गढ़ से मिला। भालों व जो है धनुषों से युक्त चित्र कहाँ देखने को मिलता है, पहाड़गढ़ से मिलता है। आदिमानवों का चित्र कहाँ देखने को मिलता है, पहाड़गढ़ से मिलता है। घोड़े का चित्र पहाड़गढ़ से है। छह पैरों वाला पशु का चित्र कहाँ मिलता है, चंबल घाटी में मिलता है। और विशालकाय क्या है, पिपीलिका यानी चींटा का चित्र कहाँ मिलता है, तो विशालकाय पिपीलिका यानी चींटा का चित्र मिलता है, वो भी आपके जम्बूद्वीप में देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे मित्रों, राजस्थान के प्रमुख प्रागैतिहासिक क्षेत्र, इसमें झालवाड़ा आता है, दरा आता है, भरतपुर आता है, गागरोन आता है। ये राजस्थान के कोटा जिले के अलनरिया नदी घाटी के शिलाश्रयों में से चित्र प्राप्त हुए हैं, और यह चित्र 5000 वर्ष पूर्व के हैं। कितने, 5000 वर्ष पूर्व के हैं, जो गेरवीय रंग में चित्रित हैं। दक्षिण भारत का प्रमुख प्रागैतिहासिक गुफा कौन सा आता है, बल्लारी। बल्लारी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है, एफ फॉसेट को है। कब है, 1892 में एफ फॉसेट ने बेल्लारी को प्रकाश में लाया था। प्रमुख चित्रों की बात होती है मित्रों, तो बेल्लारी से छह कोणों का सितारा मिला है, जिसे षटकोण कहा जाता है, बेल्लारी में ही मिला है। एक शिकार का दृश्य का चित्र बेल्लारी में ही मिला है। और जोधा टानू वाला जो आपका जादू टोना वाला दृश्य होता है मित्रों, वो भी कहाँ देखने को मिलता है, वो आपके बेल्लारी में ही देखने को मिल जाता है। अब बेल्लारी के बाद हम लोग वायनाड के अटकल की बात होगी मित्रों। वायनाड
एडकल की बात होती है, वायनाड की एडकल की अगर बात हो, ये केरलम पाया जाता है या दक्षिण भारत का स्थित गुफा है, और इन गुफाओं को प्रकाश में लाने का श्रेय एफासेट ने 1901 में किया था। मित्रों यहीं से आपके जो आपका वायनाड है, वायनाड से ही राहुल गांधी जी सांसद हैं। अभी लेटेस्ट में जो है इनकी सांसदी गई थी, उसके बाद बहाली भी जो है क्या हुआ, बहाली भी हो गई। आगे बात करेंगे, यहाँ पर जादू टोने का प्रतीक चिन्ह मिलता है, सूर्य के चिन्ह का चित्र जो है वायनाड की अटकल से ही मिलता है। यहाँ पर मनुष्य के सिर पर कुछ पगड़ी पहने हुए चित्र भी बनाया गया है जो वायनाड की अटकल का ही होता है, और यहीं पर चित्र लाल और काले रंग में भी बनाए गए हैं जो स्पेन की गुफा के समान देखने को मिल जाते हैं, स्पेन की गुफा के समान देखने को मिलते हैं। आगे बता करेंगे मित्रों, तो बिरला सरंगम होता है। मित्रों बिरला सरंगम की अगर बात होती है, ये आपका मद्रास के तमिलनाडु में स्थित है, मद्रास के तमिलनाडु में स्थित है बिरला सरंगम। यहाँ पर आदिमानों द्वारा बनाए गए हड्डियों से हथियार प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जादू के चिन्ह जो है अंकित हैं, और इन गुफाओं को रांगे राघो ने नियोलिथिक काल का माना है। रांगे राघो ने बिरला सरंगम वाला दृश्य नियोलिथिक एज का माना है। ये तो बात बिरला सरंगम की हो गई। अब बिहार क्षेत्र के कौन कौन से दृश्य हैं, जैसे आपसे मान लो पूछ ले सुदामा गुफा है, सुदामा गुफा है, लोमस गुफा है, रामाश्रय गुफा है, विश्व झोपड़ी और गोपी गुफा है, प्रागैतिहासिक काल के चित्र यहाँ भी मिलते हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा से उदयगिरी खंडगिरी नीलगिरी की 66 गुफाओं के चित्र की दृष्टि बहुत पुरानी मानी जाती है, बहुत पुराना माना जाता है। कश्मीर की अमरनाथ गुफा में भी प्रागैतिहासिक चित्रों के अवशेष पाए जाते हैं। और प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की विशेषताएँ क्या हैं, तो प्रागैतिहासिक काल में चित्रों का प्रारंभ जो है वो उत्तर पाषाण काल से माना जाता है, उत्तर पाषाण काल है वहाँ से हुआ है। प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक छेपांकन पद्धति का प्रयोग जो है हुआ है। छेपांकन कौन सी होती है, तो स्टेंसिल पद्धति जो है वो आपकी छेपांकन पद्धति होती है। प्रागैतिहासिक कलाकारों को ओझा कहा जाता था, ओझा। प्रागैतिहासिक काल में दो चश्मे यानी सम्मुख चेहरे को बनाने का काम रहा है, और प्रागैतिहासिक काल में सुगमता से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया गया, जैसे गेरुआ आया, खड़िया आया, कोयला आया, हिरौंजी आया, ये रंगों का प्रयोग खूब हुआ है। प्रागैतिहासिक काल में आदिमानव रंगों में पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल हुआ करता था। और आगे बात करते हैं, तो कहा जाता है प्रागैतिहासिक कालीन मानव रंग घोलने के लिए पशुओं के पुट्ठे को कालर प्लेट के रूप में प्रयोग किया करते थे, यानी उसको कालर के रूप में उपयोग किया करते थे। और आगे बात करेंगे, तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है मित्रों, तो आखेट इसका सबसे प्रमुख विषय रहा है। और प्रागैतिहासिक कालीन चित्र जो है क्या रहे हैं, तो रेखा प्रधान चित्र माने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रागैतिहासिक काल में ज्यामिति रेखाओं का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, और प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकार रेशेदार लकड़ी, बाँस, नरकुल आदि के बनी तूलिका का प्रयोग चित्र बनाने के लिए किया करते थे। प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक धनुर्धारी यानी युद्ध का दृश्य चित्रण हुआ है, जो पंचमढ़ी होशंगाबाद में है और भीमबेटका में भी देखने को मिल जाता है। और आगे बढ़ेंगे, तो प्रागैतिहासिक काल में सर्वाधिक हिरण का चित्रण देखने को मिल जाता है। और प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में विद्वानों के अनुसार 5 प्रकार की शैलियों का प्रयोग भी बहुत अच्छे से किया गया है। तो इस टाइप से आपका भारत का प्रागैतिहासिक कला केंद्र का यह दृश्य कम्प्लीट होता है। और अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चंस हम लोग कल सॉल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, 80, 90, 100, 150 या 10, 20, 50, वो करने का प्रयास रहेगा। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।